नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे। प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। थोड़ी देर में गोपाल भार्गव शपथ लेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे। नौवीं बार एक ही विधानसभा क्षेत्र रेहली से चुनकर आए हैं भार्गव, और भार्गव को अन्य सदस्यों का जो है वो शपथ दिलाने का दायित्व भी दिया जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में गोपाल भार्गव शपथ लेंगे थोड़ी ही देर में। सुबह 11 बजे का समय था और थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे गोपाल भार्गव। नौवीं बार रेहली विधानसभा से चुनकर आए हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे। तो गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि नौवीं बार चुनकर आए हैं इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में रेहली से, और ऐसे में वरिष्ठ विधायक हैं। बड़ी जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें दी जा रही है। शपथ लेंगे, बाकी सदस्यों को शपथ दिलाने का दायित्व भी दिया जाएगा। एक अहम जिम्मेदारी गोपाल भार्गव के लिए, प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे थोड़ी ही देर में गोपाल भार्गव। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोपाल भार्गव अन्य सदस्यों को भी जो है शपथ दिलाएंगे, उसका दायित्व भी सौंपा जाएगा। तो नौवीं बार रेहली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी गोपाल भार्गव को दी जा रही है संगठन की तरफ से। तो भार्गव को अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का दायित्व भी सौंपा जाएगा। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे गोपाल भार्गव। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे। Thank you.
क्यों बैठ जाओ भाई? फोटो अरे तो ये सीधी तस्वीरें भोपाल के राजभवन से आप देख रहे हैं। गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं। गोपाल भार्गव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 9वीं बार चुनकर आए हैं रहली विधानसभा से और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी पुष्प गुच्छ देकर सीएम मोहन यादव बधाई दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय डूंगर दिवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गोपाल भार्गव को शपथ दिलाई है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक सीनियर लीडर होने के नाते और कई बार के विधायक के नाते जो एक डिसीजन लिया गया है उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ आज प्रोटेम स्पीकर का अपने आप में एक महत्व माना जा रहा है, क्योंकि अगर सीनियर की बात की जाए तो सबसे सीनियर लीडर में गोपाल भार्गव माने जाते हैं और उसी को लेकर यह डिसीजन लिया गया और उनकी शपथ यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में कराई गई। उससे पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी हमने देखा था कि हमने चाहे जमुना देवी की बात कर लिया, कांग्रेस की बात कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में पिछली जो 2018 विधानसभा चुनाव 20 में जो उसमें जो रामेश्वर शर्मा को पटे बनाया गया था उसमें सबसे लंबे समय तक का समय था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज प्रकार से अगर देखें तो आज गोपाल भार्गव को कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर बनाकर सरकार ने मुख्यमंत्री है मोहन यादव उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है और सीनियर लीडर को एक प्रोटेम स्पीकर का पदभार दिया हो। आज राज्यपाल निवास पर उनकी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, काफी बड़ी संख्या में चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री की बात कर दी जाए या मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे और उनके ही और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर हम देखें नए कैबिनेट की बात करिए या नई सरकार जिस प्रकार से कदम बढ़ाती जा रही है उसमें अब सीनियर्स के नाते जिस प्रकार से सीनियर लीडर को जो सम्मान मिल रहा है वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और कितना अहम हो जाता है संजय, गोपाल भार्गव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना आने वाले 5 सालों के लिए, और अब किस तरह से उनके भूमिका रहेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर हमारी गोपाल भार्गव से बात हुई है तो उनका भी साफ कहना था कि जो सीनियर लीडर है क्योंकि सारे विधायक उनसे मिलने जुले रहते हैं, ऐसा कभी नौ बार के विधायक रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकता है कि विधानसभा में सबसे लंबे समय तक के विधायक जो हैं उनको अगर प्रोटेम स्पीकर की पदभार दिया जाता है तो अपने आप में जो आने वाले समय में सरकार जो चलाएगी या कैबिनेट की जब विस्तार होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका एक अपने आप में महत्व देखने को मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर की जो बात की जाए तो उनका भी कहना है, तो गोपाल भार्गव ने भी इस चीज़ के कहा है कि कहीं ना कहीं सीनियर होने के नाते मुझे ये सम्मान मिला है जिसका मैं आदर करता हूँ और अपना जो भी दायित्व है उसे पूरी तरीके से निभाने के लिए काम करूँगा। तो अब जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं वरिष्ठ आप चाहे तो विधायक की बात के विधायक की बात कर ली जाए तो यहाँ से भगवान दास सबनानी भी निकले, कई वरिष्ठ विधायक भी यहाँ से निकल गए हैं और अब उनके आने की और संभावनाएं दिखाई जा रही है। समारोह समाप्त हो गया है तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि गोपाल भार्गव अपना अपना वक्तव्य दीजिए। बिल्कुल संजय, लेकिन इसके अलावा और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है क्या संगठन की तरफ से गोपाल भार्गव को, क्योंकि वरिष्ठ विधायक हैं और 9 बार जो है वो 9वीं बार चुनकर आए हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या और भी विचार किया जा रहा है?
बिल्कुल, अगर वर्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे वरिष्ठों को जिस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में और भी बड़ी जवाबदारी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और उनका काफ़ी एक अपने आप में महत्व माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वरिष्ठों को यहाँ पर आज सम्मान मिल रहा है, उसके बाद आप एक जरूर उन्हें आने वाले समय में भी एक बड़ी जवाबदारी मिलेगी। प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो काफ़ी, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक अस्थायी टाइप का हो जाता है, और इसके बाद जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी काम किया जा रहा है, और आने वाले समय में जरूर ये कह सकते हैं कि गोपाल भार्गव को भी यहाँ पे बड़ी जवाबदारी मिल सकती है। और अगर कहीं ना कहीं जैसे आज की बात की जाए, आज जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, लोगों का निकलना अब यहाँ से शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं कि सभी जो मान्य हैं भोपाल में जो उपस्थित रहे हैं, काफ़ी विधायक यहाँ पे आ चुके हैं, कभी मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में गोपाल भार्गव के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद मिलता है। जी बिल्कुल, हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहे संजय। बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि राज्यपाल भवन पे ही अभी आप देखेंगे राज्यपाल भवन पे सारे लोगों का अब जमावड़ा हो गया है। मीडिया की बात कही जाए या वरिष्ठों की बात कही जाए तो यहाँ पर पहुँच यहाँ पे अब निकलने का उनका शुरू हो गया है, और अब लोगों को यहाँ से निकल ही रहे हैं, और अब इंतज़ार है कि प्रोटेम स्पीकर जो गोपाल भार्गव हैं वो यहाँ से निकलेंगे, तो उसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री जरूर यहाँ से निकल गए हैं, और कई वरिष्ठ भी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ ना अभी लोग हैं जो अब निकलने वाले हैं, तो उनका इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। और राज्यपाल निवास पर अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बाग उपस्थित थे, और गोपाल भार्गव के निवास पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अधिकारियों के पीछे उनका कार्यक्रम वगैरह भी निकलेगा, और थोड़ी देर में ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। जब अगर देखेंगे जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है, उसके बाद अधिकारियों का निकलना शुरू हुआ है, अब जो गोपाल भार्गव है उनका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे और अपना वक्तव्य देंगे और अपनी बाइक देकर लोगों को बताएंगे कि क्या किस प्रकार की कार्रवाई और आने वाले समय में किस प्रकार का वो कार्यभार देखते हैं या किस प्रकार से अपने कार्य को देखते हैं कि उन्हें जो दायित्व मिला है किस प्रकार से निर्वाह करेंगे। तो ये देखते है वो शुरू हो गया है जाना, और बड़ी जिम्मेदारी गोपाल भार्गव को दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का जो है वो निर्वहन करेंगे। शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।